Hello my dear students, this is Sir Naseem Dulfikar. Please subscribe my channel and also press the bell icon if you want to get daily lessons on chemistry and English. Okay, now so we are going to start the new chapter here in second year English, that is Act 3 of the Silver Box. So the Silver Box is a play, it is a drama written by a British novelist and playwright, that is John Galsworthy. सो जॉन गैल्सवर्थी एक ब्रिटिश नॉवलिस्ट है, एक ब्रिटिश प्ले राइट थे, ठीक है, और जो 1933 में इनकी डेथ हुई, वफात हुई, और 1932 में उन्हें नोबेल प्राइज़ ऑफ लिटरेचर से नवाजा गया, नोबेल प्राइज़ दिया गया, अदब का नोबेल इनाम उनको दिया गया, ठीक है. सो ही वॉज़ अ ग्रेट राइटर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज. ज़्यादातर ये लिखा करते थे मिडिल क्लास तबके के बारे में, अगरचे खुद ये अशराफिया तबके से बिलोंग करते थे, हाई क्लास तबके से बिलोंग करते थे, लेकिन उन्होंने हमेशा उन तमाम मजालिम के बारे में लिखा जो कि मिडिल क्लास तबके में या लो क्लास तबके के अंदर हुआ करते थे. और साथ में उन्होंने क्रिटिसाइज़ भी किया ब्रिटिश जुडिशियल सिस्टम को. और आज जो हम स्टोरी पढ़ने वाले हैं, इट इज़ एक्चुअली अ क्रिटिसिज्म इन द ब्रिटिश जुडिशियल सिस्टम. क्या बरतानिया के निज़ाम, पहले सल्तनत बरतानिया में, आज आप देखते हो कि ब्रिटेन के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं, कि अगर वहाँ के प्राइम मिनिस्टर या भी जो है वो अगर कोई गलती करते हैं, कोई लॉस को तोड़ते हैं, तो फिर उनको जुर्माना किया जाता है, चार्ज किया जाता है, उनको सज़ा दी जाती है. लेकिन पहले कभी 1933 में और उससे पहले ऐसा नहीं था. सेम जिस तरह से आज जो है वो पाकिस्तान में सिचुएशन है, वो ब्रिटिश में थी, कि जो अमीर होते थे, अमीरों के लिए कोई कानून नहीं होते थे, अमीर कानून को ख़रीद सकते थे अपने पैसों से, और बेचारे गरीबों के ऊपर सारे लॉज और सारे कानून लगते थे, जैसे आज पाकिस्तान में होता है. तो इसका थीम यही है कि दैट इज़ लॉज आर मेड ओनली फॉर द पुअर, कि कानून सिर्फ और सिर्फ गरीबों के लिए बनाए जाते हैं, अमीरों के लिए कोई कानून नहीं है. वो पैसे से जज को, यहाँ तक कि हर एक कानून को ख़रीद सकते हैं और तब्दील भी कर सकते हैं, ठीक है, जो कि इट इज़ अ डिलेमा ऑफ अवर सोसाइटी. सो नोबेल प्राइज़ से नवाजा गया इसी वजह से, क्योंकि इनकी तहरीरों को पढ़कर लोगों के अंदर अवेयरनेस आई, और आखिरकार जुडिशियल सिस्टम जो है ब्रिटेन का, वो चेंज हो सका, तब्दील हो सका, इम्पार्शल हो सका, अनबायस्ड हो सका. इन्हीं के एक हम असर, इनके एक कॉन्टेम्प्रोरी जिनका नाम था कॉनराड, कॉनराड ने लिखा था इनके बारे में. कॉनराड इनको कहते थे, एमसीक्यूज़ में आपसे पूछेंगे सवाल में, कि कॉनराड ने कहा था इनको ह्यूमैनिटेरियन मॉरलिस्ट, इंसानी इखलाक बनाने वाला शख्स, एक इंसान दोस्त, एक ये मॉरलिस्ट था, एक इंसान दोस्त, एक नॉवलिस्ट था, नॉवल लिखने वाला था, तो इंसानों से दोस्ती करने के बारे में, इंसानी भलाई के बारे में ये लिखा करता था. तो कॉनराड इसके एक कंटेम्प्रोरी थे, इसके एक हमअसर थे, इसके फ्रेंड थे, जिन्होंने, वो भी एक कॉनराड जो भी, वो भी एक नॉवलिस्ट थे, इन्होंने जॉन गैल्सवर्थी के बारे में ये बात कही, ह्यूमैनिटेरियन मॉरलिस्ट. ये एमसीक्यू उसके लिए याद रखें बस. थीम मैंने आपको बता दिया कि लॉज आर मेड फॉर द पुअर ओनली, कि कानून सिर्फ गरीबों के लिए बनाए जाते हैं. और सीन क्या है इसका, जो ड्रामा है, चूँकि ये सीन्स, इट इज़ अ ड्रामा, तो ड्रामे के अंदर सीन्स होते हैं, डायलॉग्स होते हैं, कैरेक्टर्स होते हैं. तो सीन है लंदन पुलिस कोर्ट, लंदन का एक पुलिस कोर्ट है जो ये सीन बनाया गया है जहाँ पर. अच्छा, और ये एक्ट थ्री है सिल्वर बॉक्स का. एक्ट थ्री ऑफ द सिल्वर बॉक्स मुराद तीन एक्ट हैं. ये कॉमेडी प्ले था एक, जिसको 1906 में जो है वो इंग्लैंड में, और 1907 में न्यूयॉर्क में दिखाया गया. थ्री एक्ट का एक कॉमेडी प्ले था, जिसके हम सिर्फ थर्ड एक्ट को पढ़ते हैं, थर्ड डे के सीन को पढ़ते हैं, इसलिए ये स्टोरी थोड़ी सी आपको अधूरी लगेगी, क्योंकि कुछ चीज़ें जहाँ पर मुझे फिलिंग करने की ज़रूरत पड़ेगी, मैं उसको फिलिंग करके आपको बता दूंगा. क्योंकि सिर्फ एक्ट थ्री पढ़ने वाले, एक्ट वन और एक्ट टू जो है वो आपके कोर्स में, सेकेंड ईयर इंग्लिश में, कराची बोर्ड में नहीं है. वो है तो, लिखा तो है, आप इंटरनेट पर आपको मिल जाएगा, लेकिन हमारे कोर्स में नहीं है. तो सीन है लंदन पुलिस कोर्ट. पुलिस कोर्ट किसे कहते हैं, देखो कोर्ट्स डिफरेंट तरह के होते हैं. सबसे छोटा हमारे पास होता है पुलिस कोर्ट, फिर आता है सिटी कोर्ट, फिर आता है हाई कोर्ट, फिर आता है सुप्रीम कोर्ट. पूरे कंट्री के लेवल पर जो सबसे बड़ा कोर्ट होता है वो सुप्रीम कोर्ट होता है, इस्लामाबाद में मौजूद है वो, है ना, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, उसके ऊपर लिखा हुआ है पूरा, देखा होगा, वाइट कलर की बिल्डिंग है. तो सुप्रीम कोर्ट के नीचे आता है फिर हाई कोर्ट. हाई कोर्ट हर सूबे में एक होता है, जैसे सिंध हाई कोर्ट अगर आप जाएंगे ना, तो सिंध हाई कोर्ट आपको मिल जाएगा सदर के इलाके में, ठीक है, वो सूबे का एक होता है. पूरे सिंध का हाई कोर्ट कराची में, और एक होता है सिटी कोर्ट जो शहर का होता है. कराची का जैसे सिटी कोर्ट जो है वो आपके पास, वो भी जो है वो आपको सदर में एमेजिना रोड पर मिल जाएगा, केएमसी बिल्डिंग वगैरह, दैट इज सिटी कोर्ट. अब सिटी कोर्ट की से भी छोटा होता है पुलिस कोर्ट. पुलिस कोर्ट कहाँ होता है बच्चे, हर पुलिस स्टेशन में जो बड़ा थाना होता है इलाके का, वहाँ पुलिस कोर्ट बना होता है. आप औरंगी टाउन के अंदर, आप मोमिनाबाद का जो सबसे बड़ा थाना है, मोमिनाबाद का थाना कहलाता है मेट्रो व्हील पर, वहाँ आप जाएंगे तो वहाँ पर भी आपको एक कोर्ट मिलेगा, वो है पुलिस कोर्ट कहलाता है. छोटे मोटे मसाले को वहाँ सॉल्व किया जाता है, जैसे किसी चर्सी ने गटर का ढक्कन चोरी कर लिया. अब गटर का ढक्कन चोरी कर लिया तो उसको सज़ा सुप्रीम कोर्ट नहीं देगा,
वो इतने छोटे मोटे मामलात को इस्लामाबाद में लेके नहीं सॉल्व करते, गटर का ढक्कन चोरी हो गया या कोई चीज़ चोरी हो गई, तो वो फिर पुलिस कोर्ट में उसको सज़ा दे दी जाती है, एक हफ्ता दस दिन महीने की सज़ा वहीं पर दी जाती है। बस इस तरह के छोटे मोटे और जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं, किसी ने दुकान से कोई चीज़ चोरी कर ली है छोटी मोटी, अब उसको थोड़ी ना आप सिटी कोर्ट हाई कोर्ट में लेकर जाओगे, वो पुलिस कोर्ट में ही मामला हल हो जाता है, जुर्माना या फिर सज़ा जो भी होती है। तो वही एक लंदन पुलिस कोर्ट का सीन है, उसके अंदर वही सेम वही चीज़ है कि कोई भी कोर्ट अगर आप ले लो तो उसमें सबसे सामने बिल्कुल आपको दिखता है, आपने एक ना देखा होगा पुलिस कोर्ट का सीन वगैरह मूवीज़ वगैरह के अंदर आपने डिफरेंट कोर्ट्स के सीन देखे होंगे, मजिस्ट्रेट ऊपर सबसे बैठा होता है, उसके हथौड़ा रखा होता है, ऑर्डर करता है उससे वो, ठीक है। मजिस्ट्रेट के बिल्कुल राइट हैंड और लेफ्ट हैंड में दो कटहरे होते हैं, राइट लेफ्ट हैंड की तरफ जो है वो मुजरिम खड़ा हुआ होता है, क्रिमिनल कुलपरेट, और जो राइट हैंड पे होता है वो आपके पास विटनेस बॉक्स कहलाता है, विटनेस मतलब वो गवाह वगैरह आते हैं ना सीधे हाथ की तरफ सारे, और बिल्कुल सामने जो है बहुत सारा एक मजमा लगा हुआ होता है, लोग बैठे हुए होते हैं, ठीक है। तो वो जो मूवीज़ वगैरह में आपको दिखाते हैं, बिल्कुल जज के बिल्कुल सामने भी एक शख्स बैठा होता है, वो क्लर्क वगैरह बैठे होते हैं, राइटर कुछ लिख रहे होते हैं, कुछ सबूत लाकर दे रहे होते हैं, ये सारी चीज़ें। तो पूरा अगर आपने देखा हो कोर्ट का सीन पूरा इस तरह के ये बना हुआ है। अब कहानी में कैरेक्टर्स क्या क्या है भाई, पहले कैरेक्टर्स को हम डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट कैरेक्टर हमारे पास यहाँ पर मौजूद है, दैट इज़ मिस्टर जोन्स। मिस्टर जोन्स कौन से भाई, इनका पूरा नाम है जेम्स जोन्स। ये कंजर्वेटिव है, कंजर्वेटिव से मुराद होता है पुराने ख्यालात के हामी, पुराने ख्यालात के हामी है ये। असल में तीन तरह के जो है वो पुराने ज़मानों में या अभी भी जो है वो तीन तरह की पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है वो इंग्लैंड में होती थी, एक कंजर्वेटिव होती थी, एक लिबरल होती थी और एक सोशलिस्ट होती थी। तो जो नए जदीद दौर के रोशन ख्याल जो लोग होते हैं तो उनको लिबरल कहा जाता है, जो पुराने ख्यालात के होते हैं वो कंजर्वेटिव कहते हैं, और एक सोशलिस्ट होते हैं जो इंसान दोस्त होते हैं। तो ये कंजर्वेटिव ख्यालात के हामी थे। एन अनएम्प्लॉयड ड्रंकर्ड, एक बेरोज़गार शराबी हैं, अनएम्प्लॉयड हैं, कोई जॉब नहीं करते और ड्रंकर्ड हैं, शराबी हैं। लिव्स इन 34 मर्थायर स्ट्रीट सेंट्स होम। सेंट्स होम एक इलाका है इंग्लैंड के अंदर, मतलब लंदन में, उसमें एक गली है मर्थायर स्ट्रीट, इसका 34 नंबर का मकान उनका है, तो ये एड्रेस है 34 मर्थायर स्ट्रीट सेंट्स होम। और चार्ज्ड विद द थेफ्ट ऑफ सिल्वर सिगरेट बॉक्स, और उन पर चार्ज लगाया गया, इल्ज़ाम लगाया गया है कि उन्होंने सिल्वर सिगरेट बॉक्स को चुराया है, जिसके नाम पर ये पूरी चैप्टर है, द सिल्वर बॉक्स ये स्टोरी है। तो सिल्वर सिगरेट बॉक्स उन्होंने चुराया है, चांदी का सिगरेट का डब्बा चुराया, जिसकी कीमत, जिसकी वर्थ, जिसके मालियत है, दैट इज़ 5 pounds 10 shillings। दिस इज़ द सिंबल ऑफ पाउंड, पाउंड इज़ अ ब्रिटिश करेंसी, पाउंड को इस तरह से बनाते हैं, डॉलर अमेरिकन करेंसी होती है। तो 5 pounds and 10 shillings, 100 shillings से मिलकर जो है वो 1 pound बनता है, बिल्कुल सेम जैसे 100 cents से मिलकर एक डॉलर बनता है, 100 paise से मिलकर एक रुपया बनता है। तो 5 pounds 10 shillings मालियत का जो है वो ये सिल्वर बॉक्स था, और उसके साथ इस पर एक चार्ज लगाया गया असॉल्ट ऑन पुलिस के, उसने पुलिस पर असॉल्ट भी किया है। असॉल्ट किसे कहते हैं, असॉल्ट मतलब होता है हमला, कि उसने पुलिस पर हमला भी किया है, पुलिस को मारा भी है, पीटा भी है, इस दो इन पर चार्ज लगे गए। अच्छा क्यों लगा है ये स्टोरी जब स्टार्ट करेंगे तो पता लगेगा। नेक्स्ट है मिसेस जोन्स। मिसेस जोन्स जो है वो शी इज़ द वाइफ ऑफ मिस्टर जोन्स, इनके तीन बच्चे हैं दोनों के, जेन जोन्स इनका असली नाम है और ये वाइफ है मिस्टर जोन्स की। और ये चार वुमेन एम्प्लॉयड एट 6 रॉकिंगम गेट, ये चार वुमेन है, नौकरानी है, सर्वेंट है, खादिमा है, और जो कहाँ पर काम करती हैं, 6 रॉकिंगम गेट, और रॉकिंगम गेट एक जगह उसके 6 नंबर के बंगले पर ये काम करती हैं, सफाई सुथराई का काम करती हैं। और इन पर भी इल्ज़ाम लगाया गया सिल्वर सिगरेट बॉक्स चुराने का, 6 रॉकिंगम गेट से ही, ठीक है। तो दोनों पर सेम इल्ज़ाम लगा हुआ है मियाँ बीवी पर। उसके बाद है मिस्टर बार्थविक। मिस्टर बार्थविक कौन है, ये है मिस्टर जॉन बार्थविक। मिस्टर जॉन बार्थविक एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जिसको आप लोग कहते हो MPA, MPA है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, और लिबरल पार्टी से बिलोंग करते हैं ये, अमीर है काफ़ी, रिच पर्सन है काफ़ी मिस्टर बार्थविक, क्योंकि MP है तो MP सारे रिच ही होते हैं, अमीर होते हैं। लिव सेट 6 रॉकिंगम गेट, और रहते हैं कहाँ पर, ये 6 नंबर का बंगला रॉकिंगम गेट, जिस पर नो मुलाजमा, मतलब जिसकी है मिसेस जोन्स, वहीं उसी ये घर है, ये बंगला इन्हीं का है, इन्हीं के बंगले में मिसेस जोन्स काम करती हैं, और ये ओनर है सिल्वर सिगरेट बॉक्स के, जिनका सिल्वर बॉक्स चुराया गया है, जिन्हीं के नाम इनके इसी सिल्वर सिगरेट बॉक्स के नाम पर जो है वो द सिल्वर बॉक्स चैप्टर है। नेक्स्ट है जैक बार्थविक। जैक बार्थविक कौन है, ये मिस्टर बार्थविक के बेटे हैं, इनको बार्थविक जूनियर भी कहा जा सकता है, तो इनको जैक बार्थविक भी कह सकते हैं, और इन्हीं को हम कह सकते हैं बार्थविक जूनियर, ठीक है, मतलब बार्थविक के बेटे, मिस्टर बार्थविक के बेटे हैं। केयरलेस ड्रंकर्ड मैन, ये भी शराबी है मिस्टर जोन्स की तरह, केयरलेस है, लापरवाह है, केयरलेस पर्सन है, ठीक है। और नेक्स्ट है थॉमस मार्लो, इट इज़ मार्लो, तो थॉमस मार्लो, थॉमस मार्लो कौन है, थॉमस मार्लो इज़ द बटलर टू मिस्टर बार्थविक। बटलर मतलब खानसामा, खादिम खास जो होते हैं ना, रिच रिच में आपने देखा होगा बटलर, ठीक है। तो बटलर वो ब्लैक कलर के कोट वगैरह जो पहनते हैं वो, ठीक है, ब्लैक कलर का कोट होता है नॉर्मली,
और वो खास खास खादिम होते हैं, मतलब सफाई सुथरा काम नहीं होता उनका, लेकिन वो ज़्यादातर जो है वो अपने मालिक के साथ ही रहते हैं। तो ये बटलर है, खानसामा है मिस्टर बार्थविक के, खास खादिम है। रॉबर्ट स्नो, रॉबर्ट स्नो मतलब ये स्नो मतलब बर्फ़ नहीं, यहाँ पर नाम है रॉबर्ट स्नो। रॉबर्ट स्नो एक जासूस है, डिटेक्टिव इन एक्सपी डिवीजन ऑफ मेट्रोपॉलिटन पुलिस, एक जासूस है, एक डिटेक्टिव है एक्सपी डिवीजन मेट्रोपॉलिटन पुलिस का, उसके एक्सपी डिवीजन में एक जासूस है। मैजिस्ट्रेट, मैजिस्ट्रेट मतलब जज, एक लालची जज है मैजिस्ट्रेट। मैजिस्ट्रेट और जज वैसे ज़्यादातर सेम चीज़ ही होते हैं, मतलब इंसान लेवल बाय लेवल ऊपर जाता है कि जैसे सबसे पहले जो इंसान होता है बनता है लॉयर, लॉयर बनने के बाद फिर जो है वो फिर आगे जाता है तो फिर वो बनता है बैरिस्टर, बैरिस्टर बनने के बाद फिर वो ऊपर जाता है तो फिर बनता है फिर वो मैजिस्ट्रेट, और मैजिस्ट्रेट बनने के बाद जब ऊपर जाता है तो फिर वो बनता है जज, और जज बनने के बाद जब ऊपर और ऊपर जाता है तो फिर वो बनता है चीफ जस्टिस, चीफ जस्टिस सी जे जिसको लिखा होता है ना इस बारे में। ये मतलब LLB LLM करके जब किसी को कानून पढ़ना है, LLB पढ़नी है तो पहले लॉयर बनते हैं फिर बैरिस्टर फिर मैजिस्ट्रेट फिर जज फिर चीफ जस्टिस। ये मैं बता रहा हूँ ये हायरार्की जो है कानून के लोगों की, बहुत सारे बच्चों को शौक होता है लॉयर बनने का तो उनको पता होना चाहिए। सो ये एक मैजिस्ट्रेट हैं, जज भी कह सकते हैं, लालची हैं, मतलब लालची ज़्यादातर जज लालची ही होते हैं, पैसे लेकर जो है वो फिर सही और गलत फैसले कर रहे होते हैं। रोपर कौन है? रोपर जो है वो प्राइवेट लॉयर ऑफ मिस्टर बार्थविक, मिस्टर बार्थविक का एक प्राइवेट लॉयर है, मतलब कुछ बड़े अमीर लोग जो होते हैं ना उनके अपने प्राइवेट लॉयर्स होते हैं जो बड़े कारोबारी लोग होते हैं, क्योंकि उनको बार बार वर्क पड़ती रहती है ना कुछ लॉयर्स की ऐसी कि अपना कोई काम गलत काम को सही करवाना है, नाजायज़ काम को जायज़ करवाना है, तो सूरत में वो लॉयर की मदद लेते हैं। तो लॉयर तो हर पैसे लेकर वो हर काम कर सकता है, हर तरह से कानूनी तौर पर वो जवाब निकाल सकता है हर एक चीज़ का। तो ये एक रॉपर जो है वो मिस्टर बार्थविक का प्राइवेट लॉयर है। तो ये मैंने कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस करे, बात समझ में आ गई सबको कैरेक्टर सारे कौन कौन है। अब आते हैं स्टोरी की तरफ। इस स्टोरी में सबसे पहले स्टोरी स्टार्ट होती है, दो केसेस हैं, दिस चैप्टर कंसिस्ट ऑफ टू केसेस, केस नंबर वन केस नंबर टू। फर्स्ट केस इज द इनकम्प्लीट केस, जो पहला केस है पहली बात हुई इनकम्प्लीट है, इसकी स्टोरी कम्प्लीट नहीं है, और दूसरा नॉन इंपॉर्टेंट है, पेपर में कभी नहीं पूछते हैं उसके बारे में आपसे। इट इज़ द ब्रेकिंग ऑफ अ हाउस, एक घर के छोड़ देने के बारे में है। हुआ क्या है कि दो बच्चियाँ जो है वो सुबह के 10 बजे, दो बच्चियाँ जिसके एक का नाम था मॉड लेवेंस और एक का नाम था थेरेसा लेवेंस, वो दोनों मॉड लेवेंस और थेरेसा लेवेंस वो दोनों खड़ी हुई थी सड़क के किनारे रो रही थी। एक पुलिस वाले ने उनको देख लिया और पुलिस वाले ने उनको लेकर वो लंदन पुलिस कोर्ट में ले आया कि भाई ये दो बच्चियाँ जो है वो घर अपने गली में जा कोने में रो रही थी। तो फिर पता लगाया गया तो पता लगा कि ये मिस्टर लेवेंस हैं, उनकी बेटियाँ हैं मॉड लेवेंस थेरेसा लेवेंस। तो जज ने उनको बुलवाया कोर्ट में, जब कोर्ट में आते हैं तो पूछते हैं कि तुम्हारी बेटियाँ बाहर क्यों हैं भाई, घर पर क्यों नहीं है। फिर वही बताते हैं मिस्टर लेवेंस के भाई कि मेरी वाइफ जो है वो जो है वो फरार हो गई है घर से, या वो कुछ दूसरे शख्स के साथ वो भाग गई हैं, मेरी वाइफ, ब्रेकिंग ऑफ द हाउस इसी को हम कहते हैं कि वो दूसरे शख्स के साथ मेरी वाइफ जो है वो भाग गई हैं और मेरे बच्चों को भी छोड़कर चले गई हैं। अब तो मैं तो अकेला हूँ घर में और मैं बेरोज़गार भी हूँ, मेरे पास काम करने के लिए कुछ नहीं है, तो मैंने अपनी इन दोनों बेटियों को अपनी इनकी खाला के घर पर मतलब अपनी बहन के घर पर मैंने छोड़ दिया था। लेकिन चूँकि मेरी खाला के खुद 8 बच्चे पहले से थे तो अब जाहिर सी बात है वो 2 बच्चे और आ गए तो फिर उनको संभाल नहीं पाए, तो उन्होंने उनको भी घर से बेघर कर दिया। तभी वो गली के कोने में जाकर जो है मतलब खड़े होकर रो रही थी। तो मैं मजिस्ट्रेट कहता है कि अच्छा तो फिर एक काम करो, तुम्हें एक हफ्ते का टाइम देता हूँ, तुम्हें एक हफ्ते में जो है जॉब वगैरह को तलाश करो, नौकरी तलाश करो, जब तक एक हफ्ते के लिए हम इस बच्ची को जो है वो अपने पास ही रखेंगे, इन दोनों बच्चियों को, अगर हमें लगेगा कि तुम्हें कोई जॉब मिल गई है तो हम तुम्हारे हवाले कर देंगे, वरना हम तुम्हारे हवाले नहीं करेंगे। नॉर्मली कोर्ट का ये असूल होता है कि बेघर बच्चों को फिर ऑर्फनेज वगैरह भेज दिया जाता है अगर घर का कोई फर्द उनको पाल नहीं सकता तो। ठीक है, तो ये एक केस है बस, ये सिंपल केसेस को हम लोग कहते हैं लेवेंस गर्ल्स केस की कहलाते हैं, ब्रेकिंग ऑफ अ हाउस के बारे में। ये इनकम्प्लीट बात है, इसमें कोई बात कम्प्लीटली तरह से पता नहीं लग रही है। अब इसके बाद एक नया केस लंदन पुलिस कोर्ट के अंदर शुरू हुआ है, केस नंबर टू, वो इंपॉर्टेंट है, उसी के बारे में पूरा चैप्टर हम डिस्कस करेंगे। दैट इज द थेफ्ट ऑफ अ सिल्वर सिगरेट बॉक्स, चांदी के सिगरेट के डब्बे की चोरी के बारे में एक कहानी, जो ईस्टर मंडे 11 बजे से शुरू हुई। देखो ईस्टर पीर का दिन है और ईस्टर मंडे है, ईस्टर इज एक्चुअली अ फेस्टिवल ऑफ क्रिश्चियंस, ईसाई एक त्यौहार मनाते हैं ईस्टर डे उसको हम कहते हैं। अब ईस्टर डे एक दिन का त्यौहार नहीं होता, 7 दिन तक चलते हैं, एक हफ्ता पूरा ईस्टर डे चलता है उनका ईस्टर, तो उसमें ईस्टर संडे से स्टार्ट होकर ईस्टर सैटरडे तक वो जाता है, संडे मंडे ट्यूसडे वेंसडे सारा पूरा वो, उसमें वो डिफरेंट तरह के एग्स बनाते हैं, कलरफुल एग्स वगैरह, अंडे वगैरह बनाते हैं वो कलरफुल ना उस तरह से, फिर वो बच्चों को तोहफे वगैरह देते हैं, ईस्टर बनी बनाते हैं खरगोश टाइप का, तो वो बच्चों के दरवाजे के सामने घरों के सामने लोग जो है वो गिफ्ट रखकर चले जाते हैं, कार्टून्स वगैरह में दिखाते हैं ईस्टर बनी। तो ईस्टर डे एक ज़माने से जो अंग्रेज़ लोग मतलब जो क्रिश्चियंस हैं वो मना रहे हैं। तो ईस्टर का मंडे है, मंडे का दिन है, रात के 11 बज रहे हैं और 6 रॉकिंगम गेट बंगले के बिल्कुल सामने से एक शख्स गुजर रहे हैं जिनका नाम है मिस्टर जोन्स।
अब मिस्टर जोन्स गुजर रहे हैं तो वो बंगले के सामने से गुजरते हैं, बंगले के अंदर झांक कर देखते हैं कि वहाँ एक और शख्स है, मिस्टर जैक बार्थविक, मिस्टर बार्थविक के बेटे, वो नशे में टून है, मतलब पूरी तरह से नशे में है, बिल्कुल नशे की हालत में है, और वो दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रहे हैं। अब दरवाज़ा जिस तरह से, एंड ही इज़ पुटिंग द की ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द डोर, अब जैसे कि चाबी जो है वो इधर लगानी है तो वो दूसरी तरफ किनारे पे चाबी लगाने की कोशिश कर रहा है, तो है ना, चाबी जहाँ पर लगानी होती है ना, जैसे ये दरवाज़ा हाथ में उनकी चाबी है, लेकिन नशे में इतने धुत हैं कि वो चाबी मिस्टर जैक बार्थविक यहाँ लगाने के बजाय अपने घर में बराबर में लगा रहे हैं। अब वो काफ़ी देर से कोशिश कर रहे हैं, चाबी लग नहीं रही, चूँकि खोल तो यहाँ पर है की ओर, और नशे में है तो उनको दिख भी नहीं रहा कुछ सही से। तो जब मिस्टर जोन्स ये देखते हैं कि ये बंदा बहुत परेशान है और चाबी लग रही है, तो वो अंदर जाते हैं और उसका हाथ पकड़ कर जो है वो यहाँ पर चाबी लगाते हैं, फिर घुमाते हैं तो गेट खुल जाता है। अब मिस्टर जैक बार्थविक बड़े खुश हो जाते हैं, जैक बार्थविक भी बड़ा खुश हो जाता है और वो कहता है कि चलो भाई तुमने तो मेरी मदद कर दी आज, आओ चलो आओ मेरे साथ मेरे घर पर, चलो ड्राइंग रूम में हम कुछ खाते पीते हैं। फिर ये लोग जाते हैं ड्राइंग रूम, ड्राइंग रूम में आ जाते हैं, ड्राइंग रूम में सिर्फ मिस्टर जैक बार्थविक होते हैं और मिस्टर जोन्स बैठे हुए होते हैं। तो जैक बार्थविक और मिस्टर जोन्स बैठे हुए होते हैं और सामने ही जो है वो मतलब एक डाइनिंग टेबल रखा होता है, डाइनिंग टेबल टी टेबल, उसके ऊपर एक सिल्वर सिगरेट बॉक्स रखा हुआ होता है, चांदी कलर का सिगरेट का डब्बा। तो जैक बार्थविक बोलते हैं चलो भाई शराब पीते हैं, तो दोनों फिर शराब वगैरह डालते हैं, फिर और शराब पीना शुरू कर देते हैं। ठीक है, वो भी ड्रंक कार्ड होता है मिस्टर जोन्स, वो भी शराब पीते हैं, दोनों शराब पीते रहते हैं, फिर बीच बीच में बातें भी करते हैं। बातों में सबसे बड़ी बात होती है इनके पॉलिटिक्स के हवाले से बात करते हैं। तो फिर मिस्टर जो है वो जैक बार्थविक कहते हैं कि मैं लिबरल हूँ, मेरे अबू भी लिबरल पार्टी से हैं, जबकि तुम मुझे जो है वो सोशलिस्ट लगते हो, क्योंकि तुमने मेरी मदद की, सोशलिस्ट लोगों की मदद करते हैं वो। मिस्टर फिर जेम्स कहते हैं, जेम्स जोन्स, मिस्टर जोन्स कहते हैं कि नहीं मैं सोशलिस्ट नहीं हूँ, मैं कंजर्वेटिव, वो पुराने ख्यालात का हामी हूँ। ये बात उनके बीच में चलती हैं। फिर मिस्टर जैक बार्थविक नशे में बिल्कुल खो जाते हैं और कहते हैं कि ठीक है अब तुम यहाँ से जो लेकर जाना है, तुमने मेरी मदद की है, मैं तुम्हारा बहुत शुक्रगुजार हूँ, तो मैं जो यहाँ से लेकर जाना है तुम यहाँ से लेकर तुम चले जाओ। ठीक है, फिर उसके बाद वो सो जाते हैं मिस्टर जैक बार्थविक कहीं पर। अब वो भी नशे की हालत में होता है मिस्टर जोन्स, तो नशे की हालत में सामने सिल्वर सिगरेट बॉक्स पड़ा होता है, चांदी के कलर का सिगरेट का डब्बा, वो उसको जेब में डालते हैं, जेब में डाल के कमरे से बाहर निकल जाता है और अपने घर चले जाता है, 34 मर्थायर स्ट्रीट सेंट्स होम, वहाँ चला जाता है, वहाँ पर जाकर रात में सो जाता है। फिर सुबह होती है, ट्यूसडे का दिन होता है, सुबह होती है तो फिर जो है मिस्टर जोन्स की वाइफ मिसेस जोन्स वो काम करने के लिए सुबह निकलती हैं अपने मालिक के घर पे, 6 रॉकिंगहम गेट, ये वही गेट है जहाँ कल रात उसका वाइफ जो है हस्बैंड आ चुका था और मैंने बताया किस वजह से, उस किस तरह से एंट्री हुई, जैक बार्थविक ने उसकी एंट्री करवाई थी और खुद ही उसने बोला था कि जो यहाँ से लेकर जाना चले जाता वो लेकर चला गया। तो इसको हम चोरी नहीं कह सकते फिलहाल, इट इज़ नॉट अ थेफ्ट, बिकॉज ये तो एक मालिक की उस पर हुआ था, ईमा पर हुआ था कि भाई मालिक ने बोला था जो लेकर जाने चले जाओ, तो उसने लेकर चले गए। पूछ कर अगर आप कोई चीज़ ले लेते हो किसी की तो फिर उस सूरत में वो चोरी के जुमले में नहीं आता, और अगर दोनों के दोनों नशे की हालत में थे फिर तो केस बनेगा ही नहीं। मतलब मेरी बात को, दोनों ही नशे में थे ना, दोनों को कुछ नहीं पता। अब क्या हुआ कि वो मिस्टर वो गए जाती हैं वहाँ पर काम करने के लिए मिसेस जोन्स, तो पहले वो जाती हैं उसी ड्राइंग रूम के अंदर, सफाई वगैरह कर रही होती हैं, थॉमस मार्लो उसी वक्त आता है, अच्छा ये टाइम होता है 8:45 का, 8:45 का सुबह के 8:45 बज रहे होते हैं, थॉमस मार्लो आता है वहाँ से ट्रे उठाने के लिए, ट्रे जो रखा होता है एश ट्रे वगैरह, तो वहाँ पर वो देखता है कि जो सिल्वर सिगरेट बॉक्स है वो मिसिंग है, कि रात में जो वो छोड़ कर गया था रात में 11 बजे, अब सुबह आकर देखता था वो नहीं है, और कमरे में जो काम सफाई सुथराई कर रही होती है सिर्फ वो मिसेस जोन्स, तो उसका शक थॉमस मार्लो का जाता है उसी मिसेस जोन्स पर कि इसी ने उठाया होगा। तो जब वो चली जाती है कामकाज करके, फिर वो जाता है अपने मालिक मिस्टर बार्थविक के पास और बोलता है कि मुझे शक आपका जो सिल्वर सिगरेट बॉक्स है वो चोरी हो गया है, और मुझे शक जो है वो इस औरत पर है, मिसेस जोन्स पर, चूँकि वहीं उस वक्त कामकाज कर रही थी कमरे के अंदर। तो मिस्टर जॉन बार्थविक वो कहते हैं ठीक है हम पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराते हैं, वो जाकर पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराते हैं, तो पुलिस वहाँ से पुलिस की गाड़ी निकलती है 34 मर्थायर स्ट्रीट सेंट होम की तरफ दोपहर के वक्त, दोपहर का टाइम होता है, और उसमें जो लीड कर रहा होता है रॉबर्ट स्नो लीड कर रहा होता है, रॉबर्ट स्नो कौन है, डिटेक्टिव है, जासूस है, एक्सपी डिवीजन ऑफ मेट्रोपॉलिटन पुलिस। अच्छा एक चीज़ मैं आपको शुरू में बताना भूल गया कि मिस्टर जैक बार्थविक जब चाबी लगा रहे थे ना उसके अंदर, तो उनके एक तरफ कंधे पर एक जो है वो स्काई ब्लू कलर का लेडीज़ पर्स भी मौजूद था, कंधे पर जो है वो उनके कंधे से टंगा हुआ था स्काई ब्लू कलर का लेडीज़ पर्स, स्काई ब्लू का लेडीज़ पर्स, मतलब शायद वो जो है वो किसी शराब खाने से आ रहे थे, तो वो किसी शराब खाने से आ रहे थे और शराब खाने के आने की से कि उन्होंने जो है वो वहाँ से बेध्यानी के आलम में किसी औरत का वो पर्स उठा लिया था बिना पूछे, स्काई ब्लू कलर का, चूँकि एक मर्द के पास क्या करेगा लेडीज़ पर्स, तो वो उनके पास ही मौजूद था जो मिस्टर जोन्स ने देख लिया था। और मिस्टर जोन्स भी खुद नशा करके ही आ रहे थे, वो भी नशे की हालत में थे, और वो कहाँ से नशा करके आ रहे थे, वो गोड्स एंड बेल्स, गोड्स एंड बेल्स के नाम से जो है वो एक
गोट्स एंड बेल्स के नाम से एक पब था, पब से मेरा शराब खाना था जहाँ से वो नशा करके आ रहे थे। तो ये मैं बताना भूल गया था स्टोरी के स्टार्ट में आपको। तो अब क्या होता है कि वो रॉबर्ट स्नो जो है वो जाता है कमरे के अंदर, घर के अंदर दाखिल होता है और कहता है मुझे तलाशी लेनी है। अच्छा, इससे पहले कि वो अंदर जाता है ना, तो जब मिसेस जोन्स काम काज करके सिक्स लॉन्गिंग गेट से जब घर जा गई होती है ना अपने, तो वहाँ पर वो अपने हस्बैंड से फिर बता रही होती हूँ कि मेरे जो मालिक हैं मिस्टर जॉन बार्थविक, उनका सिल्वर सिगरेट बॉक्स खो गया है और वो बहुत परेशान है इसके बारे में। और वो उसके शौहर का कोट जो है वो टंगा हुआ होता है ना किसी हैंगर पे, वो उसको झाड़ती है ऐसे ही करके ना, जैसे ही वो झाड़ती है तो उसके अंदर से जो है वो सिल्वर सिगरेट बॉक्स निकल आता है और उसके अंदर से सिगरेट वगैरह भी बिस्तर पे फैल जाते हैं। फिर वो कहती है तुमने क्या किया, ये तो वही बॉक्स है जो कि मेरे मालिक का बॉक्स है, ये तुमने क्यों चुरा लिया। फिर वो कहते हैं मिस्टर जोन्स मैंने चुराया नहीं है, मुझे उनके बेटे ने दिया है तो मैं लेकर आ गया उसको। वो इसी पर बहस कर रहे थे कि इसका ये तो मैं तो बर्बाद हो जाऊंगी मैं अगर पता लग गया किसी को। उसी वक्त जो है रॉबर्ट स्नो अंदर दाखिल होता है जो डिटेक्टिव होता है, जासूस होता है। जब वो देखता है कि कमरे के अंदर जो है वो बेड के ऊपर सिल्वर सिगरेट बॉक्स जिसकी तलाश थी वो मौजूद है, तो उसका मतलब पक्का साबित हो जाता है कि ये दोनों मियाँ बीवी ने चोरी की है मिलकर, मतलब कि उसकी वाइफ ने जो है वो मदद की है उसकी दाखिल होने में कमरे के अंदर किसी तरह से। तो फिर आखिरकार क्या होता है, वो इल्ज़ाम तो लगा होता है मिसेस जोन्स पे, चूँकि वही होती है नॉलेज कुरानी, तो उनको पकड़ कर जो है हथकड़ी लगा कर लेकर जाने की कोशिश करता रॉबर्ट्स को। तो मिस्टर जोन्स कहते हैं कि नहीं, मेरी वाइफ ने कुछ भी नहीं किया, इसको छोड़ दो, कि इसको ये जो है वो किसी तरह से ये मासूम है, ये इनोसेंट है, इसने कुछ भी नहीं किया है, मैंने लिया है, मतलब ये तो मैं लेकर आया हूँ अपने पास, उसको तुम छोड़ दो। तो आखिरकार वो फिर छोड़ते ही नहीं, चूँकि इल्ज़ाम तो उसी पर लगा होता है। तो रॉबर्ट्स नो क्या करता है, जब उसकी वाइफ को लेकर जाने लगता है ना रॉबर्ट्स नो, तो मिस्टर जोन्स क्या करते हैं, रॉबर्ट्स नो के मुंह पर एक मुक्का मारते हैं, जोर से घुसा मारते हैं, कहता मैं जब तुमसे कह रहा हूँ तुम उसको छोड़ दो, मैंने लिया है। अब जब जाहिर सी बात है असॉल्ट ऑन पुलिस जब हो जाता है तो ये भी एक जुर्मी है कि आप किसी पुलिस को मार दो। तो उसको छोड़ देते हैं और उसको जो है वो वैन में डाल देते हैं मिस्टर जोन्स को, और वैन में गाड़ी में डालकर उसको फिर उसको लेकर चलते हैं जेल में डाल देते हैं जाके, कि भाई अब तुम्हारा फैसला होगा पुलिस कोर्ट के अंदर, कोर्ट में जो भी फैसला होता है। तो वही कोर्ट की अब समाज जो है वो चल रही है यहाँ पर, जो लंदन पुलिस कोर्ट के अंदर ये जो केस है पूरा। तो मैजिस्ट्रेट बैठा हुआ है, मैजिस्ट्रेट एक एक करके पूछता है, स्टोरी भी यहीं से स्टार्ट होती है जब कोर्ट आपकी स्टोरी वो स्टार्ट होती है। तो मैजिस्ट्रेट वही पूछते हैं एक एक करके मिसेस जोन्स से, मिस्टर जोन्स से, फिर वो सारी बातें बता देते हैं जो चीज़ हुई भी होती है, तो जो कुछ मामला जो मैंने आपको बताया। तो मैजिस्ट्रेट कहता है कि नहीं, तुमने जो है वो ये चुराया है, तुमने लिया नहीं है। जबकि मिस्टर जोन्स इसरार करते हैं इस बात से कि आई टुक इट, आई नेवर स्टील इट, आई नेवर स्टोल इट, मैंने चुराया नहीं है, मैंने तो उसको लिया है। मिस्टर जैक ने मुझसे बोला था कि तुम्हें जो चीज़ लेकर जाने ले जाओ, मैं उसको उठाकर ले गया, इसमें मेरी क्या गलती है, मेरी तो कोई गलती नहीं है। अच्छा, मिस्टर जैक बार्थविक को विटनेस बॉक्स में बुलाया गया, कटहरे में बुलाया गया कि भाई आप क्या कहते हैं मिस्टर जैक बार्थविक को। अच्छा, रूपर जो होता है वकील वो भी वहीं पर होता है, रूपर मिस्टर जैक बार्थविक से कहते हैं कि तुम मुकर जाना किसी भी चीज़ से, बोला मैंने नहीं बुलाया था। तो रूपर जो है मिस्टर जैक बार्थविक है वो मुकर जाते हैं, मुझे ये बंदा याद ही नहीं है, ये बंदा कौन है, इसने मेरी मदद भी नहीं की गेट खोलने में, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। फिर वो कहता है कि वो गुस्से में आ जाए मिस्टर जोन्स कोर्ट के अंदर ही, वो बोलते नहीं इससे भी पूछो, इसके पास भी स्काई ब्लू कलर का लेडीज़ पर्स मौजूद था उस दिन जब वो लेकर आया था। अगर मैं एक चीज़ उठाकर लेकर घर पे चला गया उसका सिल्वर सिगरेट बॉक्स नशे की हालत में, तो ये भी तो नशे की हालत में एक औरत का जो है स्काई ब्लू पर्स लेकर आ गया था, इस पर भी सेम वही चार्ज लगेगा, वो इल्ज़ाम लगेगा जो मुझ पर लग रहा है, तो इसको पकड़ो तुम, इसको क्यों नहीं पकड़ रहे हो। अब जो है रूपर कहता है कि भाई ये जो मामलात हैं ये हमारे केस से बाहर हैं जी, स्काई ब्लू बैग का मामला तो पेपर्स के अंदर है ही नहीं, और जो पेपर्स के अंदर नहीं लिखा हुआ तो उस पर केस में बात भी नहीं होती है। तो रूपर कहते हैं केस से हट की चीज़ है ये, जो है वो हमारा जो क्रिमिनल है ये बात को घुमाना फिराना चाह रहा है। तो वो मैजिस्ट्रेट भी उसकी हामी भर लेता है कि हाँ ठीक है ये सही कह रहे हो तुम, चूँकि साइड से मिस्टर जॉन बार्थविक ने उसको पैसे खिला दिए होते हैं मैजिस्ट्रेट को कि तुम हमारे हक में फैसला कर देना अगर ये कोई बैग की बात करे स्काई ब्लू कलर के। तो आखिरकार क्या होता है, मैजिस्ट्रेट जो है वो उसके हक में फैसला करता है और मिस्टर जोन से कहता है कि तुम असल में वाकई में तुम्हारे जैसे लोग, सच पीपल लाइक यू आर द न्यूसेंस टू द कम्युनिटी, कि तुम्हारी तरह के लोग एक न्यूसेंस हो, एक गलासत के ढेर की तरह से हो हमारे इस कम्युनिटी के लिए, कि तुम लोग जो है नशे की हालत में आ जाते हो और उसके बाद जो चाहते हो वो कर लेते हो और तुम्हें लगता है कि तुम कोर्ट से बच जाओगे, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। तो मैं लेकिन चूंकि जो तुम्हारी पहली सज़ा है, इससे पहले तुम पर कोई एफआईआर नहीं कटी है, तो मैं तुम्हें जो है वो एक हल्की सज़ा देता हूँ, मैं तुम्हें देता हूँ 1 month हार्ड लेबर, 1 माह कैद बामुशक्कत मैं तुम्हें देता हूँ, कि 1 महीने की कैद की सज़ा तुम्हें देता हूँ सिल्वर सिगरेट बॉक्स चुराने की वजह से, ठीक है। और उसके बाद वो कोर्ट को एडजर्न कर देता है, कोर्ट को बर्खास्त कर देता है जो मजिस्ट्रेट होता है। तो आखिरकार वो चिल्लाते रहता है मिस्टर जोन्स के, भाई मैंने कुछ भी नहीं किया, आई नेवर डिड नथिंग, मैंने तो उसको लिया था, मिस्टर जैक बार्थिक ने मुझसे कहा था कि भाई ये तुम लेकर चले जाओ,
और उसको तुम पकड़ो, पैसे की वजह से वो छूट गया है अपने, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं गरीब हूँ, तभी मुझे सज़ा सुना दी गई है, उसके पास पैसे थे इतने, उसने जो है तुम्हें रिश्वत दे दी जिसकी वजह से तुमने मेरे खिलाफ़ फैसला किया है, वो बोलता रहता है लेकिन पुलिस वाले उसको एक नहीं सुनते हैं, उसको लेकर जो है जेल में डाल देते हैं उसके अंदर, जेल को बंद कर देते हैं। मिसेस जोन्स वो क्या करती हैं, वो दौड़ते हुए जाती हैं, मिसेस जोन्स वो क्या करती हैं, वो दौड़ते हुए जाती हैं मिस्टर जैक भारतीवी के पास कि सर कि मैं शर्मिंदा हूँ कि मेरे शौहर की वजह से ये सब गलती हुई, लेकिन आप मुझे दोबारा जो है वो काम पर रख लें कि मैं दोबारा काम पर आना चाहती हूँ। तो मिस्टर भारतीविक जो होते हैं उसकी बात के रिस्पांस नहीं देते हैं, मतलब पॉजिटिव रिस्पांस नहीं देते हैं, और वो कहते नहीं अब मैं तुम्हें काम पर नहीं सकता, मैं तुम्हें काम से निकाल चुका हूँ, ठीक है। और वो बेचारी जो है वो उसको शक्ल देखते रहती हैं और उनके आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं, और लेकिन उनको काम से जो है वो निकाल दिया जाता है। इस तरह से वो भारतीविक वारंट चले जाते हैं मिस्टर जैक भारतीविक जॉन भारतीविक के ऊपर स्वैग के साथ, मतलब भरम के साथ जो है वो अदालत से बाहर निकल जाते हैं, और इस तरह से स्टोरी एक थ्रिलर स्लोर वॉक्स यहाँ पर ही एंड हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। सो दिस इज़ द स्टोरी विच इज़ टेलिंग अबाउट द इम्पार्शियल कैरेक्टर, अबाउट द बायस्ड कैरेक्टर ऑफ ब्रिटिश जुडिशियल सिस्टम, कि बरतानिया में पहले इस तरह का निज़ाम था जुडिशियल सिस्टम का कि जो अमीर होता था वो पैसे के दोस्त पर कुछ भी कर सकता था, और जो बेचारा गरीब होता था उस पर बिला वजह के इल्ज़ाम लग जाते थे और वो आखिरकार कोर्ट वो जो है वो जेल में चला जाता था। सेम वैसे ही जैसे आज भी आप कराची शहर में पाकिस्तान के अंदर होता है कि एक शख्स जो है वो शाहरुख जतोई जो है वो जो है शाहजेब जो है उसका कत्ल कर देता है, दिन दिहाड़े शाहजेब खानजादा का कत्ल कर देता है, दिन दिहाड़े उसका जो है वो कत्ल हो जाता है, ठीक है। और शाहरुख जतोई को वो सब देखते भी हैं लोग उसको कि अभी कत्ल कर लिया उसने, वो ब्लैक वीगो में वो बैठा होता है और उसने वो कत्ल कर दिया होता है, आखिरकार कोर्ट में जाता है वो अकेले कोर्ट में अपने पैसे की वजह से धोस की वजह से क्या होता है वो कोर्ट से बाहर निकल जाता है शाहरुख जतोई, और कोर्ट से बाहर निकल के विक्ट्री का निशान भी वो बनाता है वी की तरह, और वो बड़ी मशहूर तस्वीर इसमें यूँ करके विक्ट्री बना रहा है कि भाई देखो मैं पैसे से क्या कर सकता हूँ, मुझे कोई कोर्ट कुछ भी नहीं कर सकता। सेम यही कैरेक्टर के किसी ज़माने में जो है वो इंग्लैंड का था, पैसे वाले लोग कुछ भी नहीं कर पाते थे, और एक चीज़ मैंने ऑन डेट रिकॉर्ड लेक्चर में बोल दिया कि वाकई में ऐसा होता है, ठीक है, कि हमारे यहाँ जुडिशियल सिस्टम बहुत ज़्यादा वीक है। अगर जुडिशरी स्ट्रॉन्ग हो जाए, अगर इंसाफ स्ट्रॉन्ग हो जाए ना, इंसाफ के मामला स्ट्रॉन्ग हो जाए ना, तो किसी भी इंसान को गलत करने की वो नहीं हो, सबको पता लगेगा कि हमारा एहतसाब हो सकता है, अगर हम गलत करेंगे बेईमानी करेंगे तो हम पर कोई ना कोई मतलब कोई चार्ज लग जाएगा, सेंक्शन लग जाएगी, कोई भी इंसान बेईमानी नहीं करेगा फिर, ना कोई पुलिस वाला, ना कोई टीचर करेगा, ना कोई स्कूल वाला, ना गवर्नमेंट ऑफिसर कोई करेगा, सारे इदारे बिल्कुल सेट हो जाएंगे अगर इंसाफ के मामला को जुडिशियल सिस्टम को अगर बेस्ट कर दिया जाए। और पाकिस्तान में जुडिशियल सिस्टम ही बेहतर नहीं, जिसकी वजह से बाकी तमाम जो है लोग बिल्कुल शेर के तरह धड़ल्ले से जो चाहे वो कर रहे होते हैं, सही है। तो दैट इज़ द मेन रूट ऑफ एविल, जिसको हम कहते हैं जो जुडिशियरी सिस्टम है, जिसको अहम बनाना, जिसको सही बनाना, इम्पार्शियल बनाना बहुत ज़रूरी होता है, समझे बात इस चीज़ को मेरी, दैट्स इट।